कोरोना महामारी नु विकराळ स्वरूप देश ने वधु ने वधु भरडा मां लई रह्यु छे। कोरोना केस ना आंकड़ा ने फरी एक वक्त रेकॉर्ड तोड्या छे। सतत त्रीजा दिवसे 1 लाख थी वधु केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में 1,31,000 नवा केस, 780 लोकोना मौत। अत्यार सुधी में 1,30,00,000 लोको कोरोना थी संक्रमित थई चुक्या छे, ज्यारे के 1,67,000 थी वधु लोकोना मौत थया छे। पाछला 24 कलाक में 59,258 लोको साजा थता। अत्यार सुधी में 1,19,00,000 लोको ठीक थया छे। देश में 9,77,000 एक्टिव केस छे। चालू सप्ताह दरमियान अत्यार सुधी में देश में कोरोना ना 5,00,000 थी वधारे केस। कोरोना महामारी नु विकराळ स्वरूप समग्र देश में हाल वर्ताई रह्यु छे। बीजी तरफ रसीकरण अभियान पण चालू छे। स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार देश में अत्यार सुधी में 9,43,00,000 थी वधु लोकोने कोरोना रसी आपवामां आवी छे। छेल्ला 24 कलाक में 36,91,000 थी वधु लोकोने रसी अपाई। देश में कोरोना संकट वच्चे रिकवरी रेट वधीने 91.22% पहोंच्यो छे। मृत्युदर घटीने 1.28%। कोरोना संकट वच्चे नागपुर में वैक्सीन सेंटर में रसी खत्म थई गई छे। वैक्सीन नो बीजो डोज लगावा पहोंचेला एक व्यक्ति नु कहेवू छे के तेओ बीजो डोज मुकावा माटे आव्या छे, परंतु रसी ज नथी। तो हॉस्पिटल नु कहेवू छे के तेमने खबर नथी के रसी नो बीजो डोज क्यारे आवशे। मात्र नागपुर में ज नहीं, महाराष्ट्र ना केटलाक जिल्ला मां सेंटर्स पर वैक्सीनेशन नो डोज खत्म थई गयो छे, जेना कारणे वैक्सीनेशन नु काम रोकवू पड्युं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरसे फरी विकराळ स्वरूप धारण कर्यु छे, त्यारे योगी सरकारे मोटो निर्णय लीधो छे। राज्य में सरकारी अने खानगी कचेरीओमां हवेथी मात्र 50% स्टाफ साथे काम कराशे। आ नियम माटे रोटेशन अथवा अन्य कोई व्यवस्था हेठळ आ नियम लागू कराशे ते नक्की करवानुं बाकी छे। महत्वनुं छे के कोरोनाना कारणे यूपीना 11 शहेरमां नाइट कर्फ्यू अमलमां। दिल्लीनी प्रतिष्ठित एम्स हॉस्पिटलमां 35 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। रसी लीधा बाद पण आ तमाम तबीबो पॉजिटिव मळता चिंतानो विषय। आ पहेला सर गंगाराम हॉस्पिटलना 37 डॉक्टर्स कोरोनाथी संक्रमित थया छे। आ तमाम डॉक्टर્સે રસી લીધેલી હતી। 32 ડોક્ટર્સ હોમ ક્વોરન્ટાઇન છે, જ્યારે 5ને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે। બીજી તરફ સંક્રમણ વધતા સરકારે તમામ ખાનગી સરકારી શાળાઓને બંધ કરવાના આદેશ આપ્યા। તમામ ધોરણ માટે સ્કૂલ આગામી આદેશ સુધી બંધ રહેશે। દિલ્હી પુણે બાદ મુંબઈથી પ્રવાસી મજૂરોનું પલાયન શરૂ થયું છે। મુંબઈના લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ રેલવે સ્ટેશન ઉપર ઉત્તર ભારતના મજૂરોની ભારે ભીડ જામી છે। અચાનક લોકડાઉન લાગુ થશે તે ડરથી સૌ કોઈ પોતાના ઘરે જવા ઈચ્છે છે। પ્રવાસી મજૂરોનું કહેવું છે કે ગત વર્ષે લોકડાઉન દરમિયાન તેઓ વધારે પૈસા ખર્ચીને ટ્રકો દ્વારા પોતાના ઘરે પહોંચ્યા હતા। રેલવે સ્ટેશન પર મજૂરોની ભીડ વધવાના કારણે પ્રશાસન પણ એક્ટિવ થઈ ગયું છે। कोरोना महामारी बेकाबू बनता भारतीय रेलवे मोटो निर्णय लीधो छे, जे मुजब अनेक स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव थी प्लेटफॉर्म टिकट नु वेचाण रोकवामां आव्युं छे। रेलवे आ पगलू कोरोना ना झड़पथी वधता केस वच्चे स्टेशन पर भीड़भाड़ ने कंट्रोल करवा माटे लीधो छे। बीजी तरफ रेलवे नु कहेवू छे के अत्यारे ट्रेनोनी संख्या घटाडवानो कोई प्लान नथी। जे लोको प्रवास करवा मांगे छे ते करी शके छे। जो डिमांड वधशे तो अमे तरत ट्रेनोनी संख्या वधारी देशुं। राजकीय पक्षोना नेताओ युवानोने रसी आपवानी वात करी रह्या छे, त्यारे दिल्ली एम्सना डिरेक्टर रणदीप गुलेरियाए कह्युं के 18 वर्षथी उपरना तमाम लोकोने रसी आपवानो आइडिया घातकी साबित थई शके छे, कारण के जरूरियातमंद वर्ग माटे रसीनो अभाव थशे, जेथी महामारीथी मरनाराओनी संख्यामां वधारो थई शके छे। आपणा देशमां 18 वर्षथी उपरनी अंदाजे 97 करोड़ वस्ती छे। रसीकरण एक माध्यम छे जेनाथी कोविड पर नियंत्रण शक्य छे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधीए वडाप्रधान मोदीने पत्र लखीने वेक्सिननी निकास तरत अटकाववा मांग करी छे। कहुं वेक्सिननी निकास तरत अटकावी देवी जोईए अने देशमां वेक्सिननुं उत्पादन वधारवुं जोईए।